हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चंद्रला क्लासेस। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 हिंदी वसंत भाग 3 का पार्ट 15 सूरदास के पद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सूरदास के पद। देखिए क्या कहते हैं सूरदास। सूरदास का पहला पद है, मैया कभी बड़ेगी चोटी, कितनी बार मुही दूध पियत भई, अब अजो है छोटी। तू जो कहती बल्की बीनी जो हैवे है लाबी मोटी, काड़त गुहत निहावत जेही नागिन सी मुही लोटी, काचो दूध पियावत पची पची देती ना माखन रोटी, सूर चिड़ जेवे दो भैया हरी हल्दर की जोटी। देखिए इस पहले वाले पद में श्री कृष्ण जी अपनी माँ यशोदा से कहते हैं, मैया कभी बड़ेगी चोटी। वो अपनी माँ से प्रश्न पूछते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बड़ेगी। कितनी बार मुही दूध पियत भई, अब अजो है चोटी। माँ तू मुझे कितने बार दूध पिलाती है, लेकिन फिर भी मेरी जो चोटी है वो अभी भी छोटी है। तू जो कहती बल्कि बेनी जो हैवे है लाभी मोटी। माँ श्री कृष्ण जी अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कि माँ तू तो कहती थी कि तुम्हारी चोटी बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी, लेकिन मेरी चोटी तो अभी भी छोटी ही है। ऐसा प्रश्न श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से करते हैं। कहते हैं, काड़त गुहत न्यावत जेही नागिन सी मुही लोटी। कह रहे हैं कि माँ तू मेरे बालों को काटती है, गूंथती है, इन्हें नहलाती है, मतलब मेरे बालों को धोती है, लेकिन फिर भी मेरी जो चोटी है वो नागिन की तरह हुई, मतलब कि जमीन में लोटपोट क्यों नहीं कर रही है। कह रहे, काचू दूध पियावत पची पची देती ना माखन रोटी। तू पची पची यानी बार बार, तू बार बार मुझे काचो दूध पिलाती है, कच्चा दूध पिलाती है, लेकिन फिर भी मेरी चोटी क्यों नहीं बढ़ रही है। कह रहे हैं, देती ना माखन रोटी, तू कच्चा दूध बार बार पिलाती है, माखन रोटी क्यों नहीं देती है। ऐसा प्रश्न श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से करते हैं। सूर चिड़ जीवो दो भैया हरी हल्दर की जोटी। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी आनंद भरी लीलाएं रचने वाले दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण की जोड़ी अमर रहे। श्री कृष्ण और बलराम चिरंजीव रहे। देखिए अब दूसरे पद में क्या कह रहे हैं, तेरू लाल मेरो माखन खायो। देखिए पहले वाले प्रश्न में तो श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से प्रश्न कर रहे थे, अब दूसरे वाले पद में क्या है, जो गोपियां हैं वो माँ यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत करती हैं। तेरू लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जनी घर सुनो, ढूंढी ढडोरी आप ही आयो, खोली किवारी पैठी मंदिर में, दूध दही सब सकिन खवायो, उखल चढ़ी छीके को लिनो, अनभावत भूई में ढरकायो, दिन प्रतिदिन हानि होती गोरस की, यो ढोडा कौन सा ढंग लायो, सूर श्याम की हटकी न राखो, ना ही पूत अनु को जायो। देखिए दूसरे वाले पद में जो गोपियां हैं, एक गोपी क्या करती है, श्री कृष्ण की माँ यानी यशोदा माँ से उसकी शिकायत करती है श्री कृष्ण की। कहती है, तेरो लाल मेरो माखन खायो, हे यशोदा माँ तेरे लाल ने यानी तेरे बेटे ने मेरा सारा माखन खा दिया। दोपहर दिवस जनी घर सुनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो। दोपहर के समय जब हमारा घर में सुनसानी थी, जब हमारे घर में कोई नहीं था, तो श्री कृष्ण चुपचाप हमारे घर में आ जाते हैं और मेरा सारा माखन खा जाते हैं। कह रही है, खोली किवारी पैठी मंदिर में, दूध दही सब सखिन खवायो। चुपचाप किवाड़ खोलकर दरवाजे खोलकर श्री कृष्ण मंदिर में घुसते हैं और वहां से सारा माखन खा देते हैं और अपने दोस्तों अपने सखी को भी खिलाते हैं। उखल चढ़ी चीके को लेनो, अनभावत भूमि में ढकायो। अरे ओखली के ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण ने ऊपर से चीका नीचे उतारा, सारा माखन खाया। जितना उन्हें खाना था श्री कृष्ण ने उतना माखन खाया और बाकी माखन जो था उन्होंने भू ढरकायो, मतलब भूमि में जमीन में गिरा दिया। कह रहे हैं, दिन प्रतिदिन हानि होती गोरस की, यो ढोला कौन सा ढंग लायो। गोपियां कहती हैं कि
माँ यशोदा से कि दिन प्रतिदिन गौरस की यानी दूध दही की हमारी हानि होती है, बर्बादी होती है। ये डोडा कौन सा ढंग लाए हो, तुम्हारे लड़के का ये कौन सा ढंग है, कौन सा तमीज है कि हमारे घर में चुपचाप से आता है, मगर खाता है, सखियों को भी खिलाता है, घिरा देता है, सब नुकसान कर देता है। कहने सूर श्याम को हटकी ना रखो, ते ही पूत अनु को जायो। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माँ अपने बेटे को अपने से दूर भी नहीं कर सकती। गोपियां शिकायत कर रही हैं, लेकिन वो यशोदा माँ के तो बेटे ही हैं। कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, लेकिन एक माँ अपने बेटे को अपने से दूर नहीं रख सकती। फिर कह रहे हैं पूत अनु को जायो, न जाने यशोदा माँ ने कौन से अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट्स।